हेलो, कैसे हैं आप सब? फॉर्म भर ले कि नहीं? कल भी मैंने आपसे कहा था कि फॉर्म जल्दी से जल्दी भर लीजिएगा। हमको लास्ट के 10 दिन का भी इंतजार नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और हम नहीं चाहते कि हम अपनी पढ़ाई के बीच में किसी भी तरह का डिस्टरबेंस हो। ठीक है ना? क्या होगा कि आप पढ़ाई तो स्टार्ट कर दिए होंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि हम आराम से फॉर्म भर देंगे, अभी डेट है, टाइम है। वैसे में क्या होता है, टाइम निकलते जाता है, सर्वर स्लो हो जाएगा, फिर सेंटर का इशू आएगा। अब आप फ्री माइंड से अभी पढ़ रहे हैं, फॉर्म नहीं भराया होगा, आप यही सोचने लग जाएंगे कि फॉर्म कब भराएगा, आपको एक टेंशन होने लग जाएगा। 3-4 दिन आपके फालतू में खराब होंगे, जो आपके हाथ में है उसको आप पहले कर लीजिए। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि फॉर्म आप पहले जल्दी से भर के अपनी पढ़ाई में लग जाइए। फिर मैंने आपसे क्या कहा था कि पढ़ाई तो सभी करेंगे, तैयारी तो सभी करेंगे, आपको क्या करना है, सही दिशा में तैयारी करना है, सही दिशा में तैयारी करना है। अभी आप मार्केट में जाइए, बुक्स के लाइन लगी हुई हैं। आप किसी भी दुकान में चले जाइएगा, बोलिएगा हमको एनटीपीसी की बुक्स दे दीजिए, तो आपको ढेरों बुक उठा के दे देंगे। तो क्या सभी बुक आपको पढ़ना है? सभी बुक से आपको कोई ये गारंटी है कि क्वेश्चन आ ही जाएगा? कोई गारंटी नहीं है ना। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सही दिशा में तैयारी करिए। इससे क्या होगा आपको, एक तो आप फ्री रहेंगे, आपको मालूम है कि आपकी डायरेक्शन सही है, इसी दिशा में हमको तैयारी करना है। तो उससे क्या होगा, एक तो आप दिमाग से एकदम निश्चिंत रहेंगे कि हमको और इसके बाद क्या क्या पढ़ते जाना है और हमको किस स्तर तक पढ़ते जाना है। इसीलिए सही डायरेक्शन बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जाम के लिए। सिर्फ रेलवे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी एग्जाम के लिए सही डायरेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि मटेरियल की कमी कहीं नहीं है आजकल। कोविड के बाद से तो ऑनलाइन भी भंडार भरे हुए हैं, है ना? तो उससे क्या होगा, कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होता है। इसलिए उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक बुक पढ़िए, अच्छी बुक पढ़िए, तैयारी करिए अच्छे से, टेंशन फ्री होके करिए, तो सही दिशा में तैयारी करिए। अगर आपको किसी को पीडीएफ की जरूरत हो, जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन, इसका पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो आप मुझको इसमें टेलीग्राम में मैसेज करिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। सबसे अच्छी बात क्या है, पुराने पेपर क्यों सॉल्व करना चाहिए, रेलवे के पुराने पेपर इसलिए सॉल्व करिए आप, क्योंकि इससे आपको क्या समझ में आ रहा है। पहली चीज तो आपको समझ में आया गया कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, रेलवे के क्वेश्चन के लेवल क्या है, ये समझ में आया। आपने देखा ना कि कैसे क्वेश्चन, इतिहास से अगर क्वेश्चन आया है तो अलग अलग शिफ्ट में वही क्वेश्चन पूछ रहा है। 1857 की क्रांति पूछा, असहयोग आंदोलन पूछा, ठीक है, फिर दांडी यात्रा से भी क्वेश्चन आया था, और फिर आप संविधान अगर देखेंगे तो संविधान में आपका राज्यपाल सजा के लिए क्वेश्चन आया था, राज्यपाल को कौन से अनुच्छेद में सजा का प्रावधान है, ये क्वेश्चन आया था, हो सकता है इस बार राष्ट्रपति से आ जाए। तो हमको लेवल समझ में आ रहा है कि किस लेवल तक क्वेश्चन में हमको बढ़ते जाना है, कैसा कैसा क्वेश्चन रेलवे पूछ रहा है, ठीक है ना। दूसरा चीज आपको क्या समझ में आया, क्राइटेरिया समझ में आया। पुराने सॉल्व करने से यही होता है कि आपको एक तो लेवल समझ में आ गया, दूसरी चीज क्या समझ में आया, क्राइटेरिया। जैसे हमने कल क्या देखा कि आपसे रेगिस्तान पूछा था कि ये रेगिस्तान कहाँ है, जिसका ऑप्शन क्या था, आंसर क्या था, ऑस्ट्रेलिया था। ब्रिटेन वुड्स ट्विन्स के बारे में क्वेश्चन आया, ठीक है ना, फिर आपका यूएन से क्वेश्चन आया है ना। तो आपको समझ में क्या आ रहा है कि आपको क्राइटेरिया भी याद रखना है। रेगिस्तान पूछ चुका है तो हो सकता है इस बार नदी पूछ दे, हो सकता है इस बार पर्वत पूछ दे, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कि अब हमको किस किस क्राइटेरिया तक जाना है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, मैं आपसे ये कहता हूं कि मान लीजिए पुराने क्वेश्चन हम बना रहे हैं, उससे मान लीजिए इस बार के एनटीपीसी में 5 क्वेश्चन भी रिपीट हो गए, 5 क्वेश्चन भी रिपीट हो गए, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, ग्रेस पॉइंट हो जाएगा, है कि नहीं, ग्रेस पॉइंट। टाइम बचा ना, सेकंड का तो काम होता है, कुछ सेकंड बच गए ना आपका, क्योंकि आप तो जानते थे वो आंसर, तुरंत लगा के आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि पुराने क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आज दूसरी क्लास करते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं एनटीपीसी के लिए, तो आज हम दूसरी क्लास करते हैं इसके लिए। आपको जरूरत होगी अगर पीडीएफ की तो मुझको आप टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिएगा, लेकिन तैयारी सही दिशा में करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन था जो हमको यहां से आज करना है। क्वेश्चन आया है आपका दिसंबर 2008 में, भारत सरकार ने इंस्पायर अवार्ड कार्यक्रम शुरू किया,
यह कार्यक्रम बढ़ावा देने से संबंधित है, यह कार्यक्रम किसको बढ़ावा देने से संबंधित है, यह क्वेश्चन पूछा है। देखिए ऑप्शन दिया है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, योग, साइंस गतिविधियां। अब अगर हमको मान लीजिए नहीं मालूम है, अगर हमको नहीं मालूम है तो ऑप्शन देखिए थोड़ा आप, एक ऑप्शन आपको मिल रहा है इसमें योग, तो आप ये सोचिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, ये सोचिए कि 2008 में हम क्या इतने जागरूक थे कि योग को लेकर कोई कार्यक्रम शुरू हो गया था, इतने जागरूक थे क्या? योग हम कब से जानने लग गए, कब से जानने लग गए? 2013-14 के बाद से हम ज्यादा जागरूक हो गए योग को लेकर, क्योंकि कार्यक्रम शुरू हुआ योग को लेकर, ठीक है ना। तो योग तो 2008 में हम इतने जागरूक नहीं थे, तो योग तो ऑप्शन नहीं होगा, ये हम यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं इसको। फिर आपका बचा एक इंटरनेशनल रिलेशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कल्चर एक्टिविटीज। तो अगर इसका ऑप्शन आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूं कि इंस्पायर अवार्ड 2008 में स्टार्ट किया गया था विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, ये युवाओं के लिए था, युवाओं के लिए ये कार्यक्रम था कि उनको कम उम्र से ही या स्कूल के लेवल से ही साइंस के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूक किया जाए। तो 2008 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था इंस्पायर अवार्ड, याद रखिएगा इसको, हो सकता है ये इस बार क्वेश्चन कुछ दूसरे हिसाब से पूछ दे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 2008 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए इंस्पायर अवार्ड शुरू किया गया था, इसको आप देख लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म देखिए इंस्पायर का, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर द इंस्पायर रिसर्च, ठीक है ना। इसका मूल उद्देश्य क्या था, देखिए युवाओं को विज्ञान की रचनात्मक खोज के लिए उत्साह करने के लिए था ये, कम उम्र में ही, ठीक है ना, इसलिए इंस्पायर अवार्ड शुरू किया गया था। ये अभी भी चल रहा है, अब इसके बारे में अपडेट आप पढ़िएगा और जैसे न्यूज में कुछ आता है तो तुरंत उसको नोट करिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2021 में भारत की पंचवर्षीय योजना ने मार्च 2017 में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया, वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो मार्च 2017 में पूरी हुई। अब अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे तो भी 5-year plans पढ़ रहे होंगे, अगर आप संविधान पढ़ेंगे तो भी 5-year plan पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2017 में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, आपको मालूम होना चाहिए कि 31 मार्च 2017 को जो पंचवर्षीय योजना थी वो आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, इसके बाद पंचवर्षीय योजना नहीं आई है। 2017 के बाद क्या हो गया है, नीति आयोग आ गया है। अभी आप सुन रहे हैं क्या कोई पंचवर्षीय योजना चल रही है, नहीं चल रही, क्योंकि अब उस काम को कौन कर रहा है, नीति आयोग कर रहा है, ठीक है ना। और उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है ना। तो ये नीति आयोग अब पंचवर्षीय योजना की जगह पे काम कर रहा है। तो 2017 में जो पंचवर्षीय योजना थी वो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, और वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब नीति आयोग से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना के बारे में तो पूछ लिया है, हो सकता है नीति आयोग से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाने जाने वाली नदी को भारत में कहा जाता है, मतलब भारत की ऐसी कौन सी नदी है जिसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी है जिसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, क्या होगा इसका ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र है कि गंगा है, नर्मदा है या सिंधु है, क्या होगा इसका ऑप्शन। देखिए एक चीज जान लीजिए आप, जो भारत की जो गंगा है इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। दूसरी बात, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है, यही आपसे क्वेश्चन कर रहा था, यही क्वेश्चन है। भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है,
जमुना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क्या होगा आपका? ब्रह्मपुत्र। भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा ये दोनों नदी, क्योंकि भारत की गंगा ही वहां पद्मा है, भारत की ब्रह्मपुत्री वहां जमुना है, तो जब पद्मा और जमुना मिलते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा बांग्लादेश में इन्हीं को जब पद्मा और जमुना मिल जाते हैं तो मेघना के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र के बारे में एक चीज और याद रखिएगा, अगर आप नहीं जान रहे हैं तो जान लीजिएगा कि इसको सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। सांगपो, सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहां जाना जाता है? तिब्बत में। याद रखिएगा इस चीज को, तिब्बत में ही ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है। क्या है इसकी स्पेलिंग? टी से शुरू होती है, सांगपो, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ब्रह्मपुत्र को एक तो जमुना के नाम से जाना जाता है, दूसरा सांगपो के नाम से जाना जाता है, और पद्मा और जमुना मिलके मेघना नदी होते हैं, यह भी याद रखिएगा। हो सकता है इनसे क्वेश्चन इस बार पूछ दे, ठीक है। 2021 का क्वेश्चन है एनटीपीसी में। चलिए यह है, अगर आप नोट नहीं कर पाए होंगे तो यहां से नोट कर लीजिएगा, इसको यहां से नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ की जरूरत होगी तो आप मुझको टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिएगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता या चेन्नई? क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2021 के लिए है। निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महानगर सूचना केंद्र स्थित है? क्या होगा इसका ऑप्शन? देखिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि भारत की राजधानी दिल्ली है तो सारे केंद्र वहीं होंगे, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, नई दिल्ली लगा के आ जाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन ए आपको लगता है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ऑप्शन ए जनरली गलत होता है, इसलिए दोबारा जरूर सोचिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? हैदराबाद। इसका आंसर क्या होगा? हैदराबाद। राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र कहां स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से 21 में ही, देखिए 2021 में ही, 22/2/2021 में ही फिर से एक हिस्ट्री का क्वेश्चन कैसे आया है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? डू और डाई का नारा दिया था महात्मा गांधी के द्वारा। एक क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आ गया? हो सकता है क्वेश्चन क्या पूछ दे, करो या मरो का नारा किसने दिया था, कब दिया था, क्योंकि इसमें सन तो पूछा नहीं है, अभी आंदोलन पूछा है, हो सकता है उस आंदोलन का सन पूछ दे। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था सन 1942 में, ठीक है ना, याद रखेगा इसको। इस बार क्वेश्चन हो सकता है दूसरा आ जाए, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ जाए, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप रेलवे के पुराने पेपर, जो 10 साल पुराने पेपर हैं, उनको सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो अगर आप पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो स्किप करके आइएगा, तुक्का नहीं मारिएगा, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आपको मिलेंगे ही सभी एग्जाम में। भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? क्या होगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन है डी, 6 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 6 अनुसूचियां हैं। मैं आपसे बोला ना कुछ क्वेश्चन तो सभी एग्जाम में ऐसे होते हैं जिसका आंसर अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो छोड़ के आइएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको सभी एग्जाम में मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या क्वेश्चन आया है। दक्कन के पठार के अधिकांश भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दक्कन का जो पठार है उसके अधिकांश भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? क्या होगा इसका ऑप्शन?
ऑप्शन है काली मिट्टी, बहुत उपजाऊ होती है ये, गन्ना और कपास के लिए तो बहुत उपयोगी मिट्टी है ये, बहुत उपजाऊ होती है काली मिट्टी। तो दक्कन के पठार के अधिकांश भाग में कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। ठीक है, अब आप मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको समझ में आया ना, लेवल क्या है मिट्टी के से रिलेटेड, और भी आप क्वेश्चन पढ़िएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्रेश्वर मंदिर या वेई स्तंभ गुड़ी, वेई स्तंभ गुड़ी हजारों स्तंभ वाला मंदिर रुद्रदेव द्वारा बनवाया गया था, रुद्रदेव किस वंश से संबंधित हैं? ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका 6/4/2021 को आया है, ये क्वेश्चन आपका 6/4/2021 को आया है। चोल वंश, चालुक्य वंश, काकती वंश या पल्लव वंश, क्या होगा इसका आंसर बताइएगा? काकती वंश। क्या है इसका आंसर? काकती वंश। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नवरत्न कंपनी को प्यार से विजाग स्टील कहा जाता है? किस नवरत्न कंपनी को प्यार से विजाग स्टील कहा जाता है? क्या है ऑप्शन आपका? बोकारो स्टील प्लांट, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, राउरकेला स्टील प्लांट, इसको स्टील प्लांट। कब आए थे क्वेश्चन? 6/4/2021 को। अब देखिए, मैं आपसे इसको रिलेटेड बता देता हूं कि आज आप सबसे पहले क्या करिएगा, कितनी नवरत्न कंपनियां हैं ये याद रखिए, नोट करिएगा घर जाके। ठीक है, दूसरा कितनी महारत्न कंपनियां हैं, ये भी आपको आज आप नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि नवरत्न से क्वेश्चन आ गया 2021 में, तो हो सकता है इस बार महारत्न से क्वेश्चन आ जाए, कि कितनी महारत्न या नवरत्न से ही क्वेश्चन आ जाए। चांसेस नवरत्न से इसलिए ज्यादा है क्योंकि अभी तीन कंपनियों को और नवरत्न में शामिल किया गया है अभी रिसेंटली, है ना, तो इनकी संख्या बढ़ गई है। तो आप आज जाके नोट करिएगा कि कितनी नवरत्न है और कितनी महारत्न है। तो इसका आंसर क्या होगा? विजाग स्टील किसको कहते हैं? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इनको जाके आप आज नोट करिएगा याद से। ठीक है ना, इसका आंसर क्या है? बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। देखिए, जब हमको कहीं कट जाता है तो ब्लड बहता है, जब ब्लड बहना कुछ समय बाद आप देखेंगे कि बंद हो जाता है, तो जो बंद होता है और वहां पर जो थक्का जम जाता है, उस थक्के के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है आपको ये बताना है। जो थक्का जमता है, जो क्लॉटिंग हो जाती है, उसके लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है ये बताना है। विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन सी या विटामिन बी वन, क्या होगा इसका आंसर? जनरली सभी को मालूम होगा कि कौन सा है वो विटामिन के, विटामिन के कारण ही थक्का जमता है, ब्लड बहना बंद हो जाता है। ठीक है ना, कई लोगों में विटामिन के की कमी होती है, उनका ब्लड नहीं बंद होता है, तो उनके लिए बहुत रिस्की होता है ये, इसलिए याद रखिएगा विटामिन के ही जिम्मेदार है थक्का जमाने के लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका आया है 2006/4/2021 में, JW मौचली और जे प्रेस्पर एकर्ट द्वारा बिना किसी यांत्रिक भाग के बनाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? मार्क टू, एडवेक, मार्क वन या एनिएक। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आप समझ गए कि कंप्यूटर के हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ रहा है, कंप्यूटर के जनरेशन से भी क्वेश्चन आ रहा है, तब आपको कंप्यूटर के जनरेशन को भी अच्छे से पढ़ के जाना है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पुराने पेपर आप 10 साल के किसी में भी, ग्रुप डी के में भी, ग्रुप सी में, एलपी में, जिसमें भी आप, जो भी रेलवे का पुराना एग्जाम हुआ है, आप सबको निकाल के पढ़िए कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी।
ये हम आज भी यूज कर रहे हैं, तब से लेके आज भी हम इसी पैटर्न पे चल रहे हैं ENIAC पे, ठीक है ना। आज जितने भी आपको कंप्यूटर मिलेंगे वो ENIAC के ही मिलेंगे। ये क्या थे, बिना किसी यांत्रिक भाग के, ठीक है ना, बिना किसी यांत्रिक भाग के, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आ गया। अब पहले अबकस वर्जन था, अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आ गया है। तो इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए, ये है फुल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसी पे ही सारे कंप्यूटर, अब जितने भी आपको नए कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर मिल रहे हैं, इसी पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन बना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वर्षीय सांस्कृतिक उत्सव है। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन लगाए, आपको अब क्या समझना है कि सब राज्य के जो बहुत महत्वपूर्ण उत्सव हैं, महत्वपूर्ण जो नृत्य हैं, वो आप सब उसको आप नोट डाउन करेंगे कॉपी में, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है यहां से। देखिए, प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वर्षीय उत्सव है। ये एक वर्षीय उत्सव है और वो राज्य कौन सा है, मणिपुर है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अभी वैसे भी मणिपुर बहुत हाईलाइट है, तो आप मणिपुर के बारे में अच्छे से पढ़ के जाएंगे। मणिपुर, असम, ये अभी बहुत हाईलाइट में है, तो इनके बारे में अच्छी चीजें आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना, नेगेटिव चीज नहीं, पॉजिटिव चीज पढ़ के जाइएगा। मणिपुर इसका आंसर है, ये भी 6/4/2021 में क्वेश्चन आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पृथ्वी की पपड़ी के निर्माण में अभ्रक का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है। पृथ्वी की पपड़ी के निर्माण में अभ्रक का लगभग कितना प्रतिशत है, हमको यह क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन आया था 6/4/2021 को। क्या होगा इसका ऑप्शन, 12%, 24%, 5% या 8%। देखो, अभ्रक तो वैसे भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए महंगा भी है वो, क्योंकि कम पाया जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, 5 में और 8 में है। तो इसका आंसर क्या है, सी, 5%, ठीक है ना। पृथ्वी के पपड़ी के निर्माण में अभ्रक का योगदान कितना है, सिर्फ 5%, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत का सही कालानुक्रमिक इतिहास देता है। पी, गुप्त साम्राज्य, क्यू, मौर्य साम्राज्य, आर, मुगल, या सी, दिल्ली सल्तनत। और ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए, बी, सी, डी, ये आपके ऑप्शन है, काल के अनुसार से आपको इसको जमाना है। तो बताइए, सबसे पहले कौन सा साम्राज्य आया था, इसका है, पहला आपका आया था क्यू, पहला आपका क्यू, क्यू में क्या है, मौर्य साम्राज्य। फिर क्या आया था, पी, पी में आपका क्या है, गुप्त साम्राज्य। फिर क्या है, एस, एस में क्या है आपका, दिल्ली सल्तनत, ठीक है ना। फिर आपका क्या बच गया, आर, सबसे अंतिम में आर, मुगल। ये है, देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, क्यू पी एस आर, क्यू पी एस आर, ऑप्शन ए होगा। तो ऐसे आपको साम्राज्य जमाने के लिए भी काल के अनुसार क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हो सकता है इस बार क्वेश्चन को किसी दूसरे रूप में पूछे, हमको ये सब चीज भी याद रखना है। इसके लिए आप प्रॉपर एक नोट्स बनाइएगा जिसमें उसका कालखंड भी हो और साम्राज्य भी हो और उसके प्रमुख राजा भी हो, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपका 6/4/2021 में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह पर्वतमाला उत्तर और दक्षिण भारत के बीच व्यवहारिक रूप से सीमा बनाती है, व्यवहारिक रूप से सीमा बनाती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका आया था 6/4/2021 में, सह्याद्री, शिवालिक, हिमाद्री या विंध्य। क्या होगा इसका आंसर, उत्तर और दक्षिण भारत को व्यवहारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से सीमा बनाती है। क्या होगा इसका आंसर, आंसर है इसका डी, विंध्य। क्या आंसर है इसका, डी,
विंध, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए फिर से रिपीट कर दिया क्वेश्चन 6/4/2021 को। कल क्वेश्चन किया था कि रेगिस्तान कहां पे है, रेगिस्तान कहां पे, जिसका आंसर क्या था ऑस्ट्रेलिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ गया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन दूसरा है, लेकिन विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस किस दिन मनाया जाता है, क्वेश्चन विश्व के लिए है, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस किस दिन मनाया जाता है, 5 जून, 22 अप्रैल, 17 जून या 22 मई, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन आपका कब आया है, 2021 में आया है, आंसर है इसका सी 17 जून, याद रखिएगा। इन सब चीजों को अलग से याद रखना होता है, ये कोई पढ़ाता नहीं है आपको, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं पुराने क्वेश्चन आप उठाइए, उससे समझ में क्या आ रहा है आपको, क्राइटेरिया समझ में आ रही है कि हमको किस लेवल तक कहां तक जाना है पढ़ने के लिए, ठीक है ना, क्राइटेरिया समझ में आता है इससे। तो इसका आंसर है 17 जून। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है, कौन करता है आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित, देखते हैं क्या, टीवी देखते हैं, टीवी देखते होंगे तो इसका आंसर आपको बन जाएगा, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है ये सब चीज, कुछ कुछ चीज डेली लाइफ के हिसाब से भी हम जान सकते हैं इसको, कौन करता है इसको, नीति आयोग करता है क्या, वित्त मंत्रालय करता है क्या, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है क्या, भारतीय रिजर्व बैंक करता है, कौन करता है इसको, आंसर क्या है आपका, बी वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आपका आर्थिक सर्वेक्षण, याद रखिएगा वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री सदन में इसको रखती हैं आर्थिक सर्वेक्षण, वित्त मंत्री अभी निर्मला सीतारमण है, वो आप देखेगा संसद टीवी तो रखती हैं अपना सर्वेक्षण, हमेशा रखती हैं वो सत्र में, है ना, तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्री इसको जारी करती हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन मोपला विद्रोह कब आया था, ये क्वेश्चन 6/4/21 में, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ, 1921, 1922, 1914, 1915, 1923, 1924, 1917 और 1919, किस वर्ष के बीच में हुआ था मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह कहां हुआ था, ये केरल में, याद रखिएगा केरल में, केरल में हुआ था मोपला विद्रोह, किन वर्षों के बीच हुआ था, क्या होगा इसका आंसर, ए 1921 1922 के बीच में हुआ था, ठीक है ना, केरल से संबंधित है ये, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, 6/4/2021 एनटीपीसी, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, मानवाधिकार, स्वतंत्रता संग्राम, महिला अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, चिपको का मतलब आप समझ रहे हैं, चिपको का मतलब इस आंदोलन के समय क्या हुआ था, जो आंदोलन कर रहे थे वो पेड़ से चिपक जा रहे थे, ठेकेदार जो थे वनों की कटाई कर रहे थे, है ना, उत्तराखंड से शुरू हुआ था ये, वनों की कटाई कर रहे थे, तो जो भी इस आंदोलन में शामिल थे वो सब पेड़ को ऐसे पकड़ के चिपक के, इसीलिए चिपको आंदोलन नाम हो गया, चिपक के खड़े हो गए, कटने नहीं दिए, तो ये किससे संबंधित है आपका, पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा आप नाम सुने होंगे, ये प्रमुख नेता थे उस समय, ठीक है। चलिए इसको देखिएगा, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, यह एक अहिंसक आंदोलन था, ठीक है ना, इसमें किसी भी तरह की हिंसा नहीं हुई थी, यह एक अहिंसक आंदोलन था जो 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले, अब उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में शुरू हुआ था, ठीक है ना, पहले चमोली उत्तर प्रदेश में था, उत्तराखंड में है, इस आंदोलन का नाम चिपको वृक्षों के आलिंगन के कारण पड़ा, क्योंकि आंदोलन के दौरान ग्रामीणों द्वारा पेड़ों को गले लगाया गया था, ठीक है ना, तो
तो याद रखिएगा, देखिए सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था ये, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम हमेशा याद रखना है, इसको कभी नहीं, इसको ऐसा नहीं है इस एग्जाम में नहीं पूछा, तो हो सकता ना पूछे, पूछ सकता है ये सब चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था, किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था भाई बताइएगा, 44वां संशोधन, 42वां संशोधन, 74वां संशोधन या 73वां संशोधन, क्या है इसका आंसर? आंसर है इसका 42वां संशोधन 1976 में, ठीक है ना, 42वां संशोधन। जब आप संविधान पढ़ेंगे तो ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का सबसे प्रतापी राजा था, किस वंश का सबसे प्रतापी राजा था, एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है ये, होयसल, काकती, पांड्य या चालुक्य वंश। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का सबसे प्रतापी राजा था, क्या होगा इसका ऑप्शन? देखिए आंसर है आपका चालुक्य वंश, चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। इन्होंने किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था, और हर्षवर्धन को तब हराया था जब वो अपने शिखर पे थे, उनकी विजय यात्रा कंटिन्यू लगातार जारी थी, तब उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था हर्षवर्धन को। अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ दे किनको हराया था, तो हर्षवर्धन को हराया था जब वो अपने शिखर पे थे उस समय, तब इनको हराया था ये, ठीक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए फिर संविधान से क्वेश्चन आ गया, राज्यसभा सांसद का कार्यकाल कितना होता है, क्वेश्चन कब का ये, 6/4/2021, क्या है ऑप्शन, 5 साल, 4 साल, 2 साल या 6 साल, क्या होगा इसका ऑप्शन? क्या राज्यसभा कभी भंग होती है, कभी राज्यसभा समाप्त होती है, क्या आपने कभी देखा है राज्यसभा के लिए कभी वोट डाला है आपने? राज्यसभा एक ऐसी सदन है जो कभी भंग नहीं होती, सिर्फ वहां के जो मेंबर हैं वो रिटायर होते हैं, फिर नए मेंबर आते हैं, है ना। तो इनका कार्यकाल कितने साल का होता है, कितने साल का होता है, 6 साल का होता है। संसद लोकसभा जो है 5 साल का होता है, राज्यसभा हर 6 साल में नए मेंबर आते हैं, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, संसद चुनाव होता है, संसद में चुनाव होता है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, याद रखिएगा इस चीज को। हर 6 साल में नए सदस्य आते हैं, ठीक है ना। तो राज्यसभा का राज्यसभा सांसद का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है, 6 साल के लिए होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, कंप्यूटर का है होमवर्क रहेगा, जब मैं अगली क्लास कर लूंगा तो इसका आंसर आप बताइएगा कि 1 GB बाइनरी में कितने मेगाबाइट के बराबर है, 1 GB बाइनरी में कितने मेगाबाइट के बराबर है, कुछ में नहीं होगा, 1 GB बाइनरी कितने मेगाबाइट के बराबर है, इसको आप मुझको आंसर कल बताएंगे, ठीक है ना। 1002, 3004, 2015 या 1024, इसका आंसर आप मुझको कल बताएंगे, इसका क्या आंसर है, कंप्यूटर से रिलेटेड ये जो गीगाबाइट है उसमें कितने मेगाबाइट होते हैं, किलोबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं,
या बाइट में कितने किलो बाइट होते हैं, ये सब आप कॉपी में नोट करिएगा। इसका आंसर आप मेरे को कल बताइएगा। आपको पीडीएफ की जरूरत होगी तो मुझको मैसेज करिएगा और अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखिए। आप शांत दिमाग से पढ़ाई करिए, सभी एक्टिविटी करिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको पढ़ना है, एक्टिविटी सभी करते रहिए, लेकिन पढ़िए और सही डायरेक्शन में पढ़िए। उससे आपको क्या फायदा होगा, जो आप इतना प्रेशर ले लेते हैं एग्जाम का, वो कम हो जाएगा। पढ़ाई तो करना है भाई, सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना है। इसलिए ऐसी चीजें हम ऐसी डायरेक्शन में जाएं जिसमें हमको प्रेशर कम हो और हमारी तैयारी अच्छी चलते रहे। कोई भी समस्या हो और कोई डाउट हो तो आप मुझको मैसेज कर सकते हैं, एग्जाम के रिलेटेड भी हो या क्वेश्चन के रिलेटेड भी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप मुझको फ्रीली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका हम आंसर कल देखेंगे। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मुझको Neeraj T70 में टेलीग्राम में आप मुझको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।